देखो आज हम एक मीटिंग हमारी हुई जेकेपीएसआई जो एस्पायरनेट से उनकी एक मीटिंग मोनियार में हुई चिल्ड्रन पार्क में। मीटिंग इस वजह से थी कि देखें हाल में ही जेकेएसएसबी ने बहुत सारे घोटाले किए हैं, बहुत सारी ऐसी रिक्रूटमेंट हुई जो बाद में कैंसिल हुई, जैसे आपकी फाकीर जो रिक्रूटमेंट थी वो कैंसिल हुई, जेकेपीएसआई का एग्जाम कैंसिल हुआ पहली बार, दूसरी बार कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि एग्जाम कैंसिल किया जाए, लेकिन रातों रात ही ऑर्डर चेंज होता है, दूसरे दिन कोर्ट का ये ऑर्डर आता है कि आप जो है रिजल्ट विल हेल्ड रखें तब तक आप रिजल्ट ना, और जब की होती है की दो दिन पहले ही लीक हो जाती है, जबकि की डेट 30 दिसंबर थी, 28 को ही लीक की जाती है, उसके बाद भी बहुत सारे जो स्कैम्स है, और एक ऐसी कंपनी को इन्होंने जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस दिया है एपटेक जो ऑलरेडी 6 जगह ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। इस वजह से आज हमने ये किया है कि नेक्स्ट टाइम जो हमारा रहेगा वो प्रोटेस्ट होगी, और प्रोटेस्ट के साथ ये है मेन मुद्दा जो है गवर्नर आपके अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छे के साथ ये चीज है कि जब तक आप फ्रंट फुट पे आके ग्राउंड लेवल पे नहीं देखते कि एस्पायरेंट्स के साथ क्या होता है, आपके जो लड़के हैं कम से कम 2.5 लाख लड़का है जिन्होंने जेके पीएसआई के लिए एग्जाम दिया है, बाकी पूरी बात करें ओवरऑल 6 लाख कैंडिडेट्स हैं जो कि फाइनेंस अकाउंटेंट के हैं, वो पंचायत के अकाउंटेंट्स हो, वो सिविल इंजीनियर्स हो, वो पीएसआई के हो, इनके 6 लाख बनते हैं, वो इतने सारे कैंडिडेट्स के रोजगार के साथ आप कह रहे हैं 2019 से प्रोसेस चल रहा है, 23 पड़ गया, अभी तक आपने कौन सा फास्ट ट्रैक भर्तियां कर रहे हो आप, ये सारी चीजें देखो एडमिनिस्ट्रेशन कब तक सोई रहेगी, और जो आपके कैंडिडेट्स हैं उनके जो फ्यूचर के साथ आप खेल रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट्स हैं उम्र की हद पार कर चुके हैं अभी तक आपका प्रोसेस खत्म नहीं हो रहा है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की आपने रिक्रूटमेंट की वो भी आपका फेलियर रहा, एसआई की है 2 बार फेलियर रहा है, ऐसी कंपनी को क्यों काम दे रहे हैं आप, आपके जो कैंडिडेट्स हैं रात भर ऐसा है कोई नहीं, यहाँ पे सारे लड़के जो है आपके पीएचडी स्कॉलर्स हैं, कोई छोटा बच्चा नहीं है यहाँ पे आपके स्ट्राइक करने आ रहा है, आप देखें जम्मू में हर दिन स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं, आपने अगर सीबीआई इंक्वायरी बिठाई, आपने जो वो जिन लोगों को पकड़ा वो सामने क्यों नहीं ला रहे हो, जिन कैंडिडेट्स ने 25-25 लाख रुपए भरे हैं, 1 करोड़ रुपया भरा है, भाई उन कैंडिडेट्स को आपने डेबर क्यों नहीं किया एग्जाम से, ये सारी चीजें जब तक आप सामने नहीं ला रहे हैं और उसके बाद आप प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, रिजल्ट मिल हेडर कर रहे हैं कि पहले ही लीक कर देते हैं, इस चीज को लेकर ही हम सबने आज मीटिंग की, और नेक्स्ट टाइम हमारा प्रोटेस्ट रहेगा क्योंकि आपने हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया है, जब तक हमारा जो फ्यूचर स्क्वायर हमें नहीं मिलेगा तो इंडिया में हमें तो कुछ दिख नहीं रहा है, मोदी जी इतने बड़े दावे कर रहे हैं क्या कहां कर रहे हैं, मोदी जी तो कह रहे हैं आप पकौड़े बेचे, क्या हमने आप लास्ट में वही कर रहे हैं, आपने पीएचडी स्कॉलर बन के आपने पकौड़े बेचते हैं क्या, ये सारी चीजें इसको लेके हम सारे आज जमा है और नेक्स्ट टाइम हम सड़क पे ही आ जाएंगे क्योंकि ऐसे इसके बगैर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसी चीज को हमने आज जो है आप मीडिया से बात की, आज की जो ये पढ़ लिख कर नौजवान जो पढ़ लिख कर बेरोजगार तबका जो इन्होंने आज मुझे यहाँ पे बुलाया हुआ था, इनमें मीटिंग कॉल की हुई थी, ये तो एक मैं कहूंगा सरासर नाइंसाफी हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ एक सरासर या तो ये चाहते हैं मोदी जी या बाकी जितने भी यहाँ के हुक्मरान हैं, या तो ये चाहते हैं कि इनको हम ऐसी सजा रहे कि लड़के यहाँ के पढ़े ना और ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाए, ठीक, ये इन्होंने एक एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ था तो बाद में जो स्कैम या कुछ भी हुआ जेकेएसएसबी वाले जो ये कुछ कह रहे थे अभी, तो ऐसा है कि अगर वो कोई पकड़ा गया, मैं ये कहूंगा कि अगर कोई चोरी कर रहा था चोर पकड़ा गया तो चोर को रिश्वत कर दो लोगों के सामने ले आओ और लोगों को भी पता चले कि क्या बात थी, तो ये कौन सी बात है कि कोई चोरी हुई और चोर को हमने पकड़ लिया तो हम पीछे रखेंगे छुपा के रखेंगे, या तो मुझे लगता है कि ये इसमें सरकार का हाथ है, या तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, अगर ये सब नहीं है तो इनको चाहिए इन नौजवानों के साथ बैठकर टेबल टॉक करें, या तो मुझे चाहिए या तो इनको चाहिए कि कहीं ना कहीं से जो इनके रिजल्ट या तो उसी पे ये रहे, अगर उसमें भी नहीं रह रहे हैं तो कुछ ऐसा सोल्यूशन करें जिससे इन लड़कों का रोजगार का मसला है, बेरोजगार तबका है, आज आपको खुद ही पता है कि महंगाई पीक पे है और कहां जाएंगे ये, एक माँ बाप एक बच्चे को पढ़ाने में अपनी जिंदगी दांव पे लगाता है और उसके बाद पढ़ लिख कर लास्ट पर यह सिला देंगे, तो ये सब तो ये सब हमें इस सरकार से ये नहीं था, क्योंकि ये तो कहते हैं कि हमने करप्शन को खत्म किया, मगर मैं ये बोलता हूं एज ए बीडीसी चेयरमैन मैं ये शायद फखर से ये बात कहूंगा कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये करप्शन को साथ देते हैं, अगर साथ नहीं है उन लोगों को सामने ला के रिश्वत कर दो और नया कुछ ऐसा करो, कोई ऐसी इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए जो कि कहीं ना कहीं से कोई हल निकले, इन नौजवान आप देखें कितनी कितनी बड़ी बड़ी तालीम याफ्ता लोग हैं, सबने क्वालिफाई एग्जाम्स किए हैं, या अपने इस ठंड में इस टाइम रोड पे बैठना ये अच्छा नहीं है सरकार के लिए, अगर बाकी इलाकों में कहीं बाहर प्रवेश किया जा रहा है तो इन लोगों ने अगर पीसफुल तरीके से अभी अपना हक मांग रहे हैं तो हमें चाहिए सरकार से, हम रुजू करते हैं अगर सरकार इस पे गौर फोर करेगी तो ठीक है, अगर नहीं तो इनके पेरेंट्स इनके साथ इनके पीआरआई यहाँ के जीजू शहरी सिविल सोसाइटी के मेम्बर
हम सब इनके साथ रोड पे आने के लिए मजबूर हैं। हाँ, बर बोनियार में पार्क में जमा हुए थे जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट यूथ एग्रेसिव एक्शन विंग है, यहाँ सब जमा हुए थे। एक्चुअली हमारा मसला यह है कि पिछले 3 साल से हमारी तीन रिक्रूटमेंट पाइपलाइन पे है और तीनों कम्प्लीट नहीं हो रही है, और वो किसी हमारी वजह से नहीं हो रही है, गवर्नमेंट की वजह से हो रही है। एक बार स्कैम निकला, उसमें क्या हुआ कि उनको कॉस्ट किया गया, तीनों रिक्रूटमेंट जेई हो, एफए हो या हमारा जेकेपीएसआई होम हो, उसके बाद इंक्वायरी में इंक्वायरी कमेटी बैठी, इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट भी कुछ पेपर्स ने, कुछ न्यूज चैनल ने, मीडिया ने, मीडिया हाउस ने चलाई, लेकिन ये कहा गया उस मीडिया हाउस में ये कहा गया कि हम इनको डिबार करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट एग्जामिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। लेकिन आप देखिए अभी दो एग्जाम हुआ, जेकेपीएससी एग्जाम हुआ, वो लोग हमारे साथ बैठ के एग्जाम दे रहे हैं। तो आप मुझे बोलिए नाटक क्यों क्यों आपने पहले स्क्रैप किया, पहले आपने उसको स्क्रैप किया, स्क्रैप करने के बाद एग्जाम लिया। अगर उनको आपने बचाना था, उनके 25 लाख अपने को रिफंड नहीं करने है, तो सीधे हम लोगों को बोल दीजिए भाई हमने उनको लगाना है, हमने पैसे ले लिया, हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। दूसरी बात देखिए, ये जो एपेक कंपनी है, ये हर जहां पर भी इसने एग्जाम लिया, सभी गाइड में जहां पर भी एग्जाम लिया वहां पर हमने स्कैम्स किए, और हम लोगों ने जो एस्पिरेंट्स से देखिए गैसेस भी हमारे लिए, हमें सिद्धि के लिए, हम आम बॉम्ब होते हैं, हमारे पैसे से क्या होता है, ये टेंडर दिया जाता है। हमने कोर्ट में गए कि हमें इस ब्लैकलिस्ट कंपनी को हम एग्जाम, इसको आप एग्जाम से पास में डाले, कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इसको हम क्या करते हैं, पिछले एग्जाम सारे स्क्रैप करते हैं और इस कंपनी को बैन लेके एक जुडिशियल इंक्वायरी बनी जाएगी। लेकिन रातों रात पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जमा होती है और रात के रातों रात सुबह जाके कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाते हैं। आप मुझे बोले एसएसबी हमारे लिए है या उन एक्टेक के लिए, अगर उनके लिए तो हमें बोल दिया जाए, और ये आप नोटिफिकेशन निकाले फिर निकाले, आप क्या एक बोरी निकाले, आप 25 लाख में बिकेगी, 20-30 लाख में बिकेगी। तो हम यही डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि जो भी है कल्प्रिट उनको सामने लाया जाए।